प्रेरितों के कामों का वर्णन 16वां अध्याय। फिर वह दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया और देखो वहां तीमुथियुस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थीं मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकिदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदूनिया जाना चाहा यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। सो त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी में पहुंचे जो मकिदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे और लुदिया नाम थुआथीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो और वह हमें मनाकर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूइंडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यहां हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत
परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला, और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे यह सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहां गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए।